हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक अगेन। आज बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ और बहुत सुस्ती आ रही है। सोचा था कि आज थोड़ा बाइक को क्लीन करूँगा, साफ़ करूँगा, बट सुस्ती तो आप लोगों को पता ही है कि एक बार सुस्ती आ जाए ना, फिर उसका कोई इलाज नहीं है। बट नहीं, मेरे को उठना है। ओके तो गाइस, बाइक की थोड़ी बहुत सफाई हो रही है और ये अपना भाई कुंदन बाइक साफ कर रहा है। ये बहुत एक्सपर्ट है भाई बाइक साफ करने में। तो इज टेकिंग केयर ऑफ माई बाइक। जब से बाइक आई है, पता नहीं, अलग से मज़ा आता है इसको बाइक साफ करने में। क्यों कुंदन? हाँ जी सर, कुछ अलग मजा आता है क्या? अरे बहुत मजा आता है सर, इतनी महंगी गाड़ी को करने में तो और मजा आता है। लोकेश जी, क्या ख्याल है आपका इस बाइक के बारे में? सर क्लास, क्लास मीन्स क्लास। थोड़ा जोर से बोलिए, एलैबोरेट कीजिए। बाकी फीचर्स के बारे में तो इतना नहीं मालूम, बट देखने में एकदम क्लास है। एकदम क्लास है, जा रहा है आपके होटल के साथ। अरे परफेक्ट, परफेक्ट मैच है। मैं जब भी बाइक को निकालने के बारे में सोचता हूँ ना, बस यहाँ पे जो ट्रैफिक है उसको देख के मेरी हालत नहीं होती है बाइक को बाहर निकालना, स्पेशली मुंबई ट्रैफिक टाइम। लेट मी शो यू। बस यही सब चीज़ों को देख के ना, अभी तो फिर भी खाली हो गया यार। ये क्या मतलब है, जब भी मैं वीडियो शूट करता हूँ तो सड़क के खाली हो जाती है। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक अगेन। कैसा है कुंदन? ठीक है। तो अभी बाइक को आज मैं निकाल रहा हूँ रात के टाइम में, एंड आई जस्ट विश आज GoPro सही रिकॉर्ड करे। और इसको ना इशू हो गया यार, मुझे ना फेविक्विक लेना पड़ेगा। पहले मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। हाँ ओके, अब मैं आराम आराम से चलाऊँगा और बात करूँगा। ओके, तो आज मैं लेके निकला हूँ इसको रात के टाइम में। बेसिकली मोटिव ये था कि इसका जो LED हेडलाइट का सेटअप है उसको चेक करना था कि हाउ इट परफॉर्म्स, एंड बिलीव मी इट परफॉर्म रियली वेरी वेल। जो इसका हेडलाइट है ये स्टॉक पीछे से ही LED में आता है, एंड काफ़ी अच्छा स्ट्रीट लाइट का सेटअप है यहाँ पे। वी डोंट नीड इवन नीड द नॉर्मल हेडलाइट्स ऑल्सो, बट फिर भी आई एम वेरी वेल, क्वाइट Satisfy with the headlight performance. And दूसरा, first service तक I believe कि bike को थोड़ा आराम आराम से चलाना है, और थोड़ी देर हर दिन इसको कम से कम, मेरा motive है कि 10-12 किलोमीटर मैं चलाऊँ, so that कि इंजन अच्छा सेटअप हो जाए, जिससे कि मुझे जो लॉन्ग टर्म अगर ये बाइक चलानी है तो उसके लिए मुझे अच्छा हेल्प मिल जाएगा एक तरीके से। तो अपने नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसे, जो इंजन को रमा करना, तो अभी ये इसका वो प्रोसीजर चालू है। तो मैं इसको ज़्यादा रेव नहीं करता हूँ, ज़्यादा भगाता नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ कि 80-85 के अंदर ही रहे गाड़ी। तो फिलहाल अभी तो यही चल रहा है। तो यू नो गाइस, अभी जिसका डर था वही हुआ। GoPro ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ माउंट से नीचे निकल गया। तो मैं सोच रहा था कि रास्ते में फेविक्विक लूँगा, बट नाउ इसको अलग से जुगाड़ करना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड लाइफ, सो एनीथिंग कैन हैपन। कभी भी देखते हैं, जुगाड़ करते कुछ।